माने रही हूँ। आशा के व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग जी? मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। ईद मिलादुन नबी तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। तो सब लोग आजकल बस वो यही होता है कि अपने घरों में ख़त्म दिलाते हैं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर उनके नाम का हम लोग, हम सबको चाहिए मुसलमानों को कि उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ें। आज के दिन तो ख़ास कर दुरूदों का तोहफ़ा भेजें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद हमने जी बनाना है ज़रदा, और मैंने बनाना था कुछ, लेकिन अब मैं क्या करूं। देखिए जी, हमारे मुल्क में ये होता है, आज ख़ास ख़त्म का दिन है, इतमाम का दिन है, मुसलमानों के जश्न ईद मिलादुन्नबी है, और आज क्या है जी, हमारी बिल्कुल गैस नहीं है। अब आप बताएं कि क्या करें। और सिलेंडर की दुकानों पर इतना रश है कि मेरा बेटा कब से गया हुआ है तो बारी नहीं आई, दो बार वो घर आ चुका है कि बारी नहीं, वो दोबारा सिलेंडर लेने जा चुके हैं, सिलेंडर ख़त्म, गैस ख़त्म होगी उनके पास, दोबारा फिर आएगी। अब ये बताया कि हम किस तरह से बनाएंगे, और उस पर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना भी नहीं सकते, हम कम क्वांटिटी। अब ये है कि जैसा भी बनेगा, जाहिर बात है आपको पता सिलेंडर आएगा, सिलेंडर मेरा बस छोटा सा ही, उसमें कम क्वांटिटी की चीज़ बनती है, उसमें मैं ज़्यादा बना नहीं सकती। बच्चों को शौक आ रहा है, ये बनाए वो बनाए, उसमें जो जैसे भी वो अच्छे वाले में महंगे तरीन राइस भी होंगे तो मुझसे हो जाते हैं, क्योंकि इतना सा मतलब वो उसका चूल्हा बना हुआ होता है, सिलेंडर के ऊपर छोटा सा वो बना हुआ है, उसके ऊपर मैं रखूँगी क्योंकि गैस ही ख़तरनाक होती है, मैं बड़ा सिलेंडर मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने छोटा सा रखा हुआ है, जो मैं जल्दी जल्दी वो कर लेती हूँ। उसमें जैसे भी कुकिंग होगी, जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखो, वैसे किसी ने कहा था आज के दिन, अभी मुझे बच्चा मेरे मिला था तो कहता वो आंटी वगैरह वो हमारे रिलेटिव्स हैं तो वो लोग शायद आएंगे, तो अब देखें कोई गेस्ट भी आ गए तो फिर यही कि वो जल्दी होगा। चले बाहर जो कुछ भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ा बहुत जो भी है वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो यही हमारी व्लॉगिंग होती है, यही डेली रूटीन जो भी होती है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। चलिए जी मेरे साथ किचन में देखते हैं। बस ये मेरा जैसे सिलेंडर आएगा तो मैं पकाना शुरू करती हूँ, और क्या बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ बन नहीं सकती, मैं करूँ क्या। दिल तो चाहता ना आज के दिन इंसान ख़ास एहतमाम करे, लेकिन उसके ऊपर यखनी पहले बनी, वो सिलेंडर में इतनी ताकत नहीं है उसमें, वो गैस भी ऐसी हाथ पाँव मतलब हाथ भी काले। मसनू जो गैस है ना ये वाली, इसमें बिल्कुल भी इतनी ताकत ही नहीं होती, मतलब लगता है कि तेज़ जल रही आँच लेकिन बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज़ रख दो घंटों, वो मतलब पानी अगर रख दो तो बॉयल ही नहीं होता। बहरहाल जैसा भी होगा जो भी होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। चलें जी मेरे साथ आज किचन में। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या बनाना है और कैसा बनाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम बनाने लगे ये चने वाले राइस और हसबे रोटी जी। हमारी गैस गायब है, ठीक है जी, गैस बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आपको दिखाते हैं सब कुछ। देखिए जी, ये प्याज जो है ये ब्राउन हो चुका है, और तमाम स्पाइसी हम इसमें डाल देंगे, यानी कि स्पाइसी कौन से डाले आपको दिखाते हैं। इसमें जी हम आपको थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब करती है, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना। मसाला हमने इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और नमक, में थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी हमने इसमें, और इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे। वैसे मैं चने वाले उसमें जो राइस बनाती हूँ ना, इसमें मैं इस तरह नहीं बनाती, जो गैस है उसके होते हैं, टमाटर नहीं डालते, और उसमें सारा खड़ा मसाला प्याज का डालते हैं, क्योंकि हम सिलेंडर पर बनाते हैं तो रेसिपी चेंज हो जाती है। छोटा सा सिलेंडर है और उस पर छोटा ही बर्तन आता है, और ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं बना भी नहीं सकती इसको, क्योंकि मेरा सिलेंडर बहुत छोटा सा है। ठीक है जी, तो ये बस ये 1.5 kg तक के चने और राइस मिलाकर बस इतनी चीज़ आ सकती है, इसके ऊपर से ज़्यादा नहीं आता। तो अब ये जो थोड़ा सा मसाला बना जाएगा, तो हम इसमें जो हमने ये चने रखे हुए ये फ्रीज़ किए हुए चने, ठीक है जी, बॉयल करके कल मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, तो ये हम इसमें डाल देंगे। बल्कि ऐसा है कि सिलेंडर पे तो ये होता है कि हम साथ ही चीज़ें डालनी पड़ती हैं हमें, ठीक है जी, बल्कि मैं साथ ही डाल देती हूँ ताकि इसके साथ ही वो भी ज़रा अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा जी, मुबारक हो जी, पाकिस्तान में पहले गैस ही थी और अब बिजली भी जा चुकी है, और हमारी आने वाली नस्लें पता नहीं क्या चीज़ देखेंगे, हम तो जी गैस और बिजली के बगैर हैं। देखिए जी, अब अंधेरा छा गया क्योंकि बिजली भी जा चुकी है, और हमने इसमें क्या क्या डाला, अदरक लहसुन भी डल गया जी, नमक मिर्च भी डल गया, हल्दी भी डल गई, बादियान के फूल, सफ़ेद ज़ीरा, और ये क्या है जी वो बड़ी इलायची है, और हरी मिर्च है, ये सब डाल दिए हमने। चने डाल के हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा पानी डालना है, पानी बॉयल होगा तो सिंपली राइस डाल देंगे। अब ये ना ये पानी जो है बॉयल हो गया जो हमने चनों में डाला था, अब हम इसमें राइस डालेंगे। देखिए जी, मैंने आपको पहले ही बताया जो हम सिलेंडर में बनाते हैं ना, क्योंकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा मतलब खर्च भी हो जाता है, इसी वजह से हमारी रेसिपीज जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, उस तरह से नहीं बनाते जैसे हम उस पर बनाते हैं, हमें जल्दी जल्दी होती है हर चीज़ में चली जाए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इस पर टाइम भी लगता है खाने का, बच्चों का टाइम भी हो जाता है। ठीक है जी, तो ये देखें अब ये सिलेंडर पर क्या करें, फिर अब ये पानी बॉयल हो गया, हम चावल डाल देते हैं इसमें, चावल बॉयल हो जाएंगे दो स्पेन यानी दो तीन बॉयल आएंगे, और जब पानी रिड्यूस हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। जी आज चूँकि गैस नहीं थी तो बस आपको पता है जल्दी जल्दी वो ख़त्म दिलाना था, 12 रबी अव्वल का जल्दी जल्दी मैंने वो बस राइस बनाए चने वाले, और ये ज़रदा भी रख दिया सिलेंडर में, बहुत मुश्किल हो रहा बनाना, आपको पता है सिलेंडर में क्या हाल होता है। बहरहाल हमने बनाए लिए दम पे रखे हुए, ये हमारा ज़रदा रेडी है, मैंने आपको बताया गेस्ट आ गया, लिहाजा मैं जा रही हूँ अंदर,
तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी ये सिलेंडर पे हमारे जैसे तैसे करके बस ये चने वाले जल्दी से राइस बन गए, हमारे घर आ गए जी गेस्ट। तो लिहाजा अभी आपके साथ टाटा बाय बाय, इस वीडियो को यहीं तक, ठीक है जी। तो बस फिर हम आपसे मिलेंगे, ओके जी, जब तक अल्लाह हाफिज़।